इनके लब रंगी मिठावर वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। सिद्दीक खान है। मालूम ये करना चाहते हैं कि कोई आलिम है मस्जिद में इमामत करते हैं तो उनके घर की खातून बेपर्दा रहती हैं या बेपर्दा घर से निकलती है तो इस सूरत में उनके पीछे नमाज होगी या नहीं होगी। असल में इस सवाल में देखने वाली और गौर करने वाली बात वो ये है कि जब भी आप इमाम के ताल्लुक से मसाला मालूम करें कि उनके घर की औरत बेपर्दा घूमती है तो उस औरत के साथ इमाम का रिश्ता भी बयान करें कि उनका आपस में क्या रिलेशन है। इस मसले का दारोमदार रिश्ते के ऊपर है। बात सूरतें ऐसी होती हैं कि जहां औरत बेपर्दा इमाम के घर की घूमे तो भी उसके पीछे नमाज हो जाएगी, और बात सूरतें ऐसी होती हैं कि बेपर्दा घूमे अगर घर की औरत तो उसके पीछे नमाज नहीं होगी। मगर फ़कत जज्बात में काम लेना कि इमाम के घर की औरत घूमती है तो इस किस्म के सवालों में थोड़ा खुलासा करना चाहिए। अभी होता क्या है, मिसाल के तौर पे समझें आप कि कोई एक हाफिज़ साहब है और 16-17 साल की उनकी उम्र है, उन्होंने हिफ्ज़ मुकम्मल किया और मस्जिद में जो है वो इमाम बन गए। अब ऐसी सूरत में अगर उनके घर की वालिदा बेपर्दा निकलती हैं और ये इससे बेजार भी हैं, मना भी करते हैं लेकिन वो नहीं मानती, ये इनको छोटा समझ के नहीं सुनती, तो क्या ऐसी सूरत में इस इमाम को वालिदा के ऊपर हाथ उठाने की इजाज़त मिल जाएगी? क्या वालिदा को डांटने की इजाज़त मिल जाएगी? क्या मार कर पर्दा कराने की इजाज़त मिल जाएगी? ठीक इसी तरह वालिदा ना सही, ऐसे इमाम की कोई बड़ी बहन है कि जो रिश्ते में बड़ी हैं और ये उनको ना हाथ उठा सकता ना मार सकता। दूसरी बात ये कि जो घर की खातून है वो इनकी किफालत में भी नहीं है, मतलब इमाम की अंडर परवरिश समझ लें आप, परवरिश में भी नहीं है और इनके मातहत भी नहीं है। तो ऐसी औरत के जो जिस इमाम के ताल्लुक से आपने सवाल पूछा है कि वो उसके मातहत ना हो और वो उससे यानी उसकी बेपर्दगी से बेजार भी हो, इसको अच्छा ना समझता हो, लेकिन रिश्ता एक ऐसा हो उसके साथ कि ये उसको कुछ नहीं कह सकता तो ऐसे इमाम के पीछे नमाज हो जाएगी। इसकी मिसाल वही जो अभी मैंने आपको दी कि अगर कोई इमाम साहब हैं और उनकी वालिदा अगर बेपर्दा निकलती हैं और ये अपनी ताकत और कुव्वत के मुताबिक मना भी कर देते हैं कि नहीं करना चाहिए, वो नहीं मानती, तो इसमें इमाम पर तो कोई जुर्म नहीं आएगा ना। तो इमाम को क्या आप चाहते हैं, क्या वो हाथ उठाए वालिदा पे या डांटे, तो दोनों चीज़ों की इजाज़त नहीं। अब ये मसाला अल्लाह तबारक व तआला और इनकी वालिदा का है कि वो जाने इन्होंने अपनी ताकत भर मना कर दिया तो ठीक है, तो इसलिए ये देख लिया करें कि जिस औरत के ताल्लुक से आप सवाल कर रहे हैं उसका रिश्ता क्या है इमाम के साथ, कि वो कितनी सख्ती करने का हुक्म है। जिस तरह आप लोग मालूम करते हैं कि शरीयत में उसके पीछे नमाज होगी या नहीं होगी, इसी तरह बाज़ मसाइल इमाम के आगे भी खड़े होते हैं कि शरीयत उनको कितना इजाज़त देती है सख्ती करने की। हाँ, दूसरी सूरत ये होती है कि इमाम की बीवी और बेटी बेपर्दगी के साथ निकलती हैं, तो अब इस सूरत में क्योंकि इमाम इन पर सख्ती कर सकता है, शरीयत ने हुक्म दिया है और ज़रूरत पड़ने पर मार भी सकता है, तो ऐसी सूरत में अगर कोई इमाम है कि उसकी बीवी बेपर्दा घूमती है और या फिर उसकी बेटी बेपर्दा घूमती है और ये उस पर राज़ी भी है, मना भी नहीं करता, तो फिर ऐसी सूरत में उसके पीछे नमाज नहीं होगी, जबकि ये इसके मातहतों और उसके बावजूद भी ये उनको ना समझाता हो, क्योंकि अंडरस्टूड है कि बेटी या बीवी के ऊपर सख्ती की जा सकती है, तो ऐसी सूरत में करनी चाहिए तो वहाँ पर उनकी इमामत का मसला बनेगा। लिहाजा जहाँ भी कभी भी इमाम के ताल्लुक से अगर दारुल इफ्ता में जाएं या किसी मुफ्तियाने इकराम से मालूम करें तो उस रिश्ते को भी पूरा बयान करके साफ मुकम्मल और ईमानदारी की सूरत से बयान करना चाहिए कि फ़लाँ औरत इमाम की वालिदा है और वो बेपर्दा घूमती है, तो उसके हिसाब से
हो सकता है कि जवाब में जो है वो रियायत मिल जाए। तो इसीलिए ज़ाहिर है कि आप लोग समझ गए होंगे मेरे कहने का मतलब कि बाद रिश्ते ऐसे होते हैं कि जहाँ इमाम छोटा होता है और वो रिश्ता औरत का जो है वो बड़ा होता है कि वहाँ हाथ नहीं उठा सकता। और ऐसी बहुत सी सूरतें, अब जैसे इमाम का वालिद है कोई और वो जुआ खेलते हैं, तो अब ऐसे इमाम के पीछे नमाज का भी वही हुक्म रहेगा कि क्योंकि गुनाह करने वाले उससे बड़े हैं और औलाद बाप की परवरिश में होती है, बाप औलाद की परवरिश में हर सूरत में नहीं होता, वो बुढ़ापे में जाके एक अलग बात है, लेकिन फ़िलहाल अगर सूरत ऐसी समझे कि बाप जुआ खेलता है और बेटा इमामत करता है, तो बाप के जुआ खेलने का जुर्म इमाम पे तो नहीं आएगा ना, ये तो सिर्फ मना कर सकता है और नमाज़ पढ़ने का हुक्म दे सकता है, जुआ खेलने से रोक सकता है, लेकिन अगर वो नहीं मानते तो ऐसे इमाम के पीछे भी नमाज में कोई कराहत नहीं होती, क्योंकि इसको जितना शरीयत ने हुक्म दिया है ये उसको मना कर देगा, बाप को समझा देगा कि ये गुनाह है लेकिन नहीं मानेगा, तो अब इसमें बेटे का क्या कसूर है? ज़ाहिर है कि अब वो बेटा जो है वो मारने से तो रहा ना, शरीयत ने इसको भी तो इजाज़त नहीं दी कि वो हाथ उठाए, या किसी या वालिद अगर शराब पीते हों और बेटा इमामत करता हो मस्जिद में, तो अब ऐसा नहीं कह सकते आप कि फ़लाँ का जो है ना बाप शराबी है तो इसके पीछे नमाज नहीं होगी, तो वो बाप है वो बेटा नहीं है जो ये इमाम उसको मार के समझा के घर में बिठा दे, अब बाप है तो मारा नहीं जाएगा। तो जिस तरह आपके आगे शरीयत है दायरा है, वैसे ही इमामों के आगे भी मजबूरियां शरीयत और दायरे होते हैं, तो उसका लिहाज रखें, सूरत हाल मुकम्मल बयान करें। तो आपके सूरत सवाल की जो दोनों सूरतें वो मैंने बता दी कि अगर बेपर्दा घूमने वाली औरत इमाम की परवरिश में है, इमाम के अंडर कस्टडी में है और जो है वो इमाम के मातहत है फिर भी नहीं रोकता तो गलती है, रोकना चाहिए। अगर छोटी है यानी रिश्ते के अतबार से छोटी है कि जिसे मारा भी जा सकता है, सख्ती की जा सकती, और अगर रिश्ते के अतबार से बड़ी है कि जो ये इमाम उसको मार भी नहीं सकता और सख्ती भी नहीं कर सकता लेकिन गलत समझता है, बेजारी का इजहार भी करता है कि भाई मैं मना करता हूँ, वो नहीं मानती, मैं इसमें क्या करूं, तो फिर ऐसे इमाम को शरीयत के अतबार से कोई पकड़ नहीं होगी। इसी तरह किसी के वालिद या कोई बड़ा शराब पीता हो, नमाज ना पढ़ता हो, जुआ खेलता हो और उनके औलाद इस मनसब पे हो कि वो इमामत करती हो, तो उन बड़े का जुर्म उनकी इमामत पे नहीं आएगा। इमामत का ताल्लुक खुद इमाम के मुत्तकी होने से है, उसके ख़ानदान के मुत्तकी होने से नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि जो इमाम मुसल्ले पे हो तो उसका पूरा ख़ानदान परहेजगार होना चाहिए तभी वो इमामत करेगा, ऐसा नहीं। जो मुसल्ले पर है वो नमाज़ पढ़ाने का अहल हो, नमाज़ पढ़ाने की उसमें काबिलियत हो, सलाहियत हो, और अपनी ताकतवर गुनाहों को रोकता हो अपने घर में, और ताकतवर गुनाह से रोकना मतलब अपने छोटों को समझा दे सख्ती कर दे, औलाद को समझा दे सख्ती करे, वहाँ तो समझ में आती है, लेकिन बड़ों पर तो वो भी बेचारा मजबूर होता है। तो इसलिए किसी और का जुर्म इमाम पर इस तरह से नहीं आता। तो बेपर्दगी में औरत देख ली जाए कि क्या रिलेशन है जो बेपर्दा हो रही है या बाज़ार में निकल रही है, वालिदा हैं या बीवी बेटी है, बीवी बेटी है और ये नहीं रोकता, सख्ती नहीं करता और ढील देता है जानबूझ के, या ज़्यादा फिक्र नहीं करता इस चीज़ की, तो फिर इसकी गलती है, फिर ऐसों को समझा दिया जाए, ना मानने की सूरत में इनके पीछे फिर नमाज नहीं होगी। और अगर बड़ी है रिश्ते में, बड़ी बहन हो, वालिदा हो, खाला पुप्पी हो, कि जिनको ये मार नहीं सकता लेकिन समझा चुका है कोई फ़ायदा नहीं, तो फिर इस इमाम बेचारे की कोई गलती इस सूरत में नहीं होगी। पुरने